अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अच्छा, आज का जो नेक्स्ट एपिसोड मैं अपलोड करने वाली हूँ वो जो है वो टोटली डिफरेंट होने वाला है जी। है और ये टोटली डिफरेंट कैसे होगा जी? ये होगी समरी की शक्ल में, क्योंकि मेरी एक रेगुलर लिसनर है, उन्होंने मुझे कहा है कि हम लोग यूज करते हैं डेटा तो हम लोग नहीं इस वीडियो को ले सकते, लाइक 2 आवर एंड 1.5 आवर, तो आप इसको ना एक्सप्लेन कर दें लाइक 35 एंड 30 मिनट में ना। तो मैंने सोचा चलो करते हैं ये। अच्छा, जो पहले मैं आपको बता देती हूँ जी, इस स्टोरी की ना मेन हेडलाइंस ये हैं कि नाग जो है वो पीयूष मुला का वजीर आजम बन चुका है। नाग और मारिया का उधर रुकने का मकसद सिर्फ ये है कि अंबर उनसे आ मिले। अब जो अंबर है, ये वाला जो एपिसोड है ये अंबर के इर्द गिर्द ही घूमता है, जैसे कि अंबर के साथ पेश आने वाले वाकयात ही हैं इस एपिसोड में। होता ये है, सबसे पहले जो होगा वो होगा उसका वेल मछली के साथ मुकाबला, उसके बाद उसका एक जजीरे पर जाना। उस जजीरे पर होता है जंगली खवातीन का एक ग्रुप होता है जी, उनकी एक मलका होती है बाकायदा तौर पर, और जो 6-6 फुट की खवातीन होती है वो उसकी खादमाएं होती हैं, यानी एक तरह से उसकी रियाया होती है, तो वो उसका ग्रुप होता है। उनके साथ फिर इसका होगा मुकाबला, उनसे वो निपटेगा, फिर उसके बाद उसका खूनी मुकाबला होगा एक पुरस्कार जहाज में से उतरने वाले बिन मानस से। उसके बाद ये अपनी मुंह बोली बहन शकुंतला को लेकर जाएगा जहाज के समंदर के सफर पर। अंबर जो कि समंदर के बीच तख्ते के ऊपर बैठा हुआ था और पानी जो समंदर का था वो हिचकोले ले रहा था, तो वो तख्ते के ऊपर बैठा हुआ था, उसने अपने सामने देखा कि समंदर के बीच में से ना एक पहाड़ सा नुमादार हो रहा है। पहले तो वो उसको पहाड़ समझा, लेकिन क्योंकि उसको ये था कि समंदर के बीच में ना जजीरे भी होते हैं, लेकिन फिर उसने देखा कि वो पहाड़ नहीं बल्कि वो व्हेल मछली है, तो वो थोड़ा सा खौफजदा हो गया। इंसान और व्हेल मछली का क्या मुकाबला हो सकता है भला? अब जो व्हेल मछली होती है ना वो अपने खौफ पे फिर काबू पा लेते हैं अंबर, क्योंकि उसको पता होता है वो मर तो सकता नहीं, लेकिन अब व्हेल मछली जो होती है ना वो इंसान को देख लेती है, वो कहती है कि इससे पहले कि ये मुझे नुकसान पहुंचाए मैं इसको नुकसान पहुंचाती हूँ, तो वो उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। वो जाके उसको ना तख्ते को टक्कर मारती है जोर से, तख्ता उड़ के पीछे जाके गिरता है इतनी दूर, तो अंबर फिर ना उससे दूर होने की कोशिश करता है। वो तेजी से अपने हाथों को चप्पूओं की तरह से चलाता है कि वो तैर के निकल जाए उस मछली की हदूद से, लेकिन वो तो व्हेल मछली थी। वो तेजी से फिर आती है, फिर टक्कर मारती है और वो तख्ता उसका टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अब जो अंबर होता है उसकी टक्कर की वजह से वो इतनी दूर जाके गिरता है, वो फिर ना तैर तैर के ना उससे दूर जा रहा होता है व्हेल मछली से, लेकिन अब व्हेल मछली अपना इतना बड़ा मुंह खोल के उसको अपने मुंह के अंदर खींचना शुरू कर देती है। वो पानी सांस लेती है, इतना सारा पानी उसके मुंह के अंदर आता है, अंबर जो है होता है ना वो अपना बैलेंस नहीं रख पाता, वो भी उसके मुंह की तरफ जाने लगता है। वो जब उसके दांतों के पास आता है वो व्हेल के दांतों को पकड़ लेता है कि वो उसके स्टमक में ना जाए, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज होती है कि उसके स्टमक में चला जाता है। जब वो उसके स्टमक में जाकर स्ट्रक होता है तो वो देखते हैं कि ये एक सीलन ज्यादा सी जगह है, इधर तेजाबियत बड़ी ज्यादा है, उधर उसको सांस नहीं आ रहा होता। अब तक अगर कोई आम इंसान होता तो उसने तो हजम भी हो जाना था, अब ये होता है कि मछली उसको हजम करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन व्हेल मछली के ना स्टमक में अब पेन होना शुरू हो जाता है क्योंकि वो तो हजम होने से रहा। तो वो ना मछली जो होती है ना व्हेल मछली, वो समंदर के अंदर ही राउंड होना शुरू हो जाती है, ऊपर नीचे ऐसे आगे पीछे, वो उसको क्या कहते हैं उल्टन पुल्टन होना शुरू हो जाती है कि बस ना किसी तरह से वो इस इंसान को हजम कर ले, उसके ना स्टमक का पेन खत्म हो, लेकिन वो हजम नहीं कर पाती। फिर वो डिसाइड करती है कि वो ना साहिल की तरफ जाए, वो एक जजीरे की तरफ तेजी से सफर करना शुरू कर देती है। अब ये अंबर के हाथ में बड़ा अच्छा होता है, अगर वो तख्ते पर सवार होता ना तो कितने दिन उसको, कितने हफ्ते लग जाते, कितना महीना लग जाता कि कोई जहाज आता वो जहाज पर बैठ के सफर करता। बहरहाल अब वो जो व्हेल मछली होती है ना वो इस पेन से निजात पाने के लिए तेजी से जाती है साहिल समंदर की तरफ।
जब वो साहिल पर जाती है एक जजीरे के उधर ना रेत पर वो जाती है तेजी से, उधर भी जाके वो उल्टन पुल्टन होना शुरू हो जाती है किसी तरह से, उसको ना इस स्टमक के पेन से निजात मिले। अब उधर जो अंबर होता है वो बड़ी स्ट्रगल कर रहा होता है, उसको एक तो सांस नहीं आ रहा होता है, एक वो उधर तेजाबियत वाली स्मेल होती है। वो अपनी ना उसको याद आता है उसके पास से एक खंजर है, वो अपनी पॉकेट से खंजर निकालता है, तो वो उसकी जो मछली की जो दीवारें होती है ना उधर एक तरफ ना व्हेल मछली के पेट के एक तरफ वो जोर से चाकू मारता है। उसको चाकू मारने की वजह से व्हेल मछली बड़ा तड़पती है, लेकिन अब जो अंबर होता है उसको चीर कर बाहर आ जाता है। उसके बाहर आने से और उसको व्हेल मछली को चीरने की वजह से वो मर जाती है व्हेल मछली। अब वो देखता है कि वो एक अजीब तरह के जजीरे पर आ चुका है, तो जजीरा बड़ा खूबसूरत होता है, बड़े उसमें दरख्त होते हैं, इतने इतने प्यारे दरख्त होते हैं, उसके ऊपर इतने फ्रूट्स होते हैं, और वो नारियल के दरख्त देखते हैं। वो बड़ा हांफ रहा था, वो थक चुका था अंदर स्ट्रगल करके व्हेल मछली के अंदर। यूं तो उसको मौत आ नहीं थी सकती, लेकिन ये जरा उसके लिए एक थका देने वाला प्रोसेस होता है। तो वो पहले से लंबे लंबे सांस लेता है, फिर वो जाके एक नारियल लेता है, उधर उसका पानी पीता है, उसका गोदा खाता है, फिर वो आराम करने की गर्ज से ना उधर रेत के ऊपर लेट जाता है, ठंडी ठंडी रेत। अब रात का टाइम होता है, वो उधर सो जाता है, उसको नींद आ जाती है। अब जो जजीरा है ना वो है जजीरा एक खूनी खूनखार कबीले का, लेकिन इस कबीले की खास बात यह है कि ये खवातीन का कबीला है। खवातीन ही इनकी एक एक खातून है, वो इनकी लीडर होती है, और ये सारी खातून होती है सियाफाम। अब दो सियाफाम औरतें होती हैं, उन्होंने उनके जिसम पर शेर की खाल जैसा लिबास होता है, हाथ पर उनके नेजा होता है। वो जब दोनों बातें करके आ रही होती है ना, तो ये देखती है कि इंसान ना लेटा सो रहा है, वो इसके पास जाती है, अंबर को देखती है, बड़ी खुश हो जाती है। वो कहती है वाह हमारी मलका तो हमें बड़ा इनाम देंगी, क्योंकि उनके यहाँ दस्तूर था वो ना सफेद फॉर्म लोगों को ना देवता के आगे कुर्बान करते थे। वो अंबर को भी ना इसी लिए ना इस मकसद के लिए ना वो अंबर को ना अगवा कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, अपने हाथ पर एक सफूफ मलती है खातून, तो उसके अंबर के मुंह के आगे करती है, अंबर भी होश हो जाता है, क्योंकि वो नींद में था, अगर उसको पता होता तो ऐसा कभी नहीं हो सकता था कि वो औरत उसको बेहोश कर सके। बहरहाल वो उसको बेहोश करती है, फिर उसको अपने कंधे पर उठा लेती है वो 6 फुट की औरत और चाल देती है। अब वो अपने कबीले की तरफ जाती है, उधर झोंपड़े बने हुए हैं दरख्तों के ऊपर, उनमें से एक झोंपड़े के अंदर जाकर उसको कैद कर देती है, रस्सियों में बांध के ना जकड़ के रख देती है, चले जाती है। अब अंबर को सुबह जब होश आता है ना, तो अपने आप को उसने रस्सियों में बंधा पाता है। उसको याद आता है वो तो रेत पर सोया था, फिर उसको याद आता है जरूर इन लोगों ने ना मुझे पकड़ लिया है, यहाँ तो ये खूनखार वैशी कबीला है आदमखोर जैसे के जजीरों पर होते हैं, इन्होंने मुझे बेहोश कर दिया होगा, वरना मुझे नींद में जरूर पता चल जाता। तो उसके लिए अपनी रस्सियां खोलना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन वो खामोश होता है, वो बस ना ये जानने की कोशिश करता है कि वो है कहाँ। और विंडो से वो देखता है तो ये जो झोंपड़ी होती है ना ये दरख्तों से ऊपर होती है, उसको पता चल जाता है वो दरख्तों के ऊपर है। अब वो ही दो औरतें अंदर आती हैं, उसको होश आ रहा होता है, वो दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं। अब अंबर को तो इतने सदियों पुराना अंबर है, उसको उनकी जुबान समझ आ रही होती है कि वो औरतें क्या बातें कर रही है। एक और दूसरी औरत को कहती है कि हम ना मलका को जाके बताते हैं, वो हमें बड़ा इनाम देगी, हम इसकी कुर्बानी देंगे देवता को। ये कहकर ना वो औरत चले जाती है, जाके मलका को खुशखबरी सुनाती है। वो एक औरत होती है जो ऊपर चुबारे पर बैठी होती है, वो उठ कर आगे आती है, उसको उसके सामने झुकती है, फिर उसको खुश होकर कहती है, नाच नाच कर कहती है कि मुबारक हो, हमने देवता के लिए कुर्बानी ढूंढ ली है। तो मलका कहती है कि क्या कुर्बानी ढूंढ ली है, तो उसको कहती है एक सफेद फॉर्म नौजवान के बारे में, उसको बताती है अंबर के बारे में। वो औरत बड़ा खुश हो जाती है, उसकी मलका कहती है कि उसको ले जाओ और देवतों वाला जो मंदिर है ना उधर जाकर उसको बांध दो, उसके गले में मोटी ताजी रस्सी डाल दो। तो पहले तो वो ये फरमाइश करती है कि उसको उसके सामने पेश किया जाए। अब अंबर को वो मलका के सामने लेकर आते हैं, वो खवातीन आपस में ना अपनी जुबान में बातें करनी होती हैं, और ये अंबर को सारा पता चल रहा होता है वो क्या बातें कर रही है। अब मलका जो होती है ना इस नौजवान को देखकर बड़ा खुश होती है, वो कहती है इसको ले जाओ देवता के मंदिर में जाकर इसको बांध दो, इसके गले में मोटा सा ना संगल जो होता है ना उसके साथ एक मोटा सा कड़ा होता है, वो इसके गले में बांध दो, और इसका खूब ख्याल रखो, इसको खूब खिलाओ पिलाओ, इसकी दूध के साथ इसको नहलाओ, फिर हम इसको कुर्बान करेंगे। ये ले जाती है उसको देवता के पास वाले मंदिर के अंदर जाके ना, उधर एक बुत बने होते हैं, तो उधर उनके सामने जाके ना इसको मोटे सारे ना
लोहे के कड़े के साथ इसको बांध देती है। अब वो जो मोटे का कड़ा होता है उसकी गर्दन पर होता है, लेकिन वो चेक करता है कि ये वाकई बड़ा मजबूत होता है। अब मलका के कहने के मुताबिक ना एक खवातीन आके ना उधर गीत गाती थी देवताओं के लिए ना, लेकिन एक औरत होती है वो उधर जाके गीत गाती है, लेकिन वो औरत ना अंबर अंबर को तो उनकी जुबानें पता होती है, लेकिन वो औरत को ये होता है कि इसको हमारी जुबान नहीं पता। अब वो औरत पता क्या करती है, वो ना अपने अपने वतन को याद करके ना उसके गीत गाना शुरू कर देती है। अब अंबर को बड़ी हैरत होती है कि ये खातून जो है ये तो देवता के गीत गाने की बजाय अपने वतन के गीत गा रही है। पहले वो खामोशी से सुनता है, एक दिन के बाद फिर दूसरा दिन आता है, वो औरत फिर इस तरह से करती है, फिर अंबर उसको मुखातब करता है तो वो औरत डर जाती है कि इसको हमारी जुबान आती है। वो कहता है कि मुझे पता है तुम देवता का गीत नहीं पढ़ रही, तुम ना अपने वतन का गाना अपने वतन का जो गीत है ना वो पढ़ रही हो, तो मुझे बताओ वो कौन कौन हो तुम और कहाँ से आई हो। वो औरत जो होती है ना पहले तो वो बड़ा घबराती है, फिर वो उसको बता देती है कि वो कहाँ से आई हो। कहती है बड़ी दुख बड़ी और लंबी कहानी है। वो कहता है मुझे बताओ, तो वो कहती है मेरा नाम शकुंतला है, मैं ना हिंदुस्तान की रहने वाली हूँ, मैं उधर के राजा की बीवी हूँ। होता ये है, वो कहती है कि मैं मेरा एक बच्चा भी होता है, हमारे पास एक ताजर आता है, ताजर बड़ा सारा तजारत का सामान लेकर आता है, उसके रेशमी लिबास हमें बड़े पसंद आते हैं, तो मैं ना उससे ना लिबास खरीदती हूँ, तो मैं और मेरा हस्बैंड हम लोग ना उधर बैठे होते हैं, तो मुझे ताजर की नीयत का नहीं पता चलता, ताजर की नीयत मुझ पर खराब हो जाती है, तो वो ना फैसला कर लेता है मेरे अगवा करने का, तो मुझे नहीं पता होता। तो होता भी है कि वो जो ताजर होता है इन दोनों मियाँ बीवी की दावत करता है, तो ये कबूल कर लेते हैं। वो कहती है अगर मुझे वहमो गुमान में भी होता ना कि ये मुझे नशावर कोई चीज खिला देगा, मैं बेहोश हो जाऊंगी, ये मुझे उधर से ले आएगा, तो मैं कभी इसकी दावत में ना जाती। बहरहाल वो इसकी दावत में जाते हैं, तो ये उनको सारा कुछ पेश करता है खाने पीने को, सारा कुछ खाना पीना सही था, लेकिन एंड पर वो जो उनको शरबत पेश करता है उसमें बेहोशी की दुआ होती है, तो दोनों मियाँ बीवी बेहोश हो जाते हैं, तो ये लड़की को उठाकर ना ले जाता है। अब वो खतून कहती है ये इसको अगवा करके ले जा रहा होता है, इसको होश आता है, लेकिन वो बेबस होते हैं, वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि उसके हाथ में छड़ी होती है, और ये उसको बड़ा दूर ले आता है उसके अपने इलाके से। उधर उसके शोर को होश आता है, वो चूंकि राजा होता है वो हर जगह अपने आदमी दुराते हैं कि इस ताजर को पकड़ के लाओ, उसके पास मेरी बीवी है, लेकिन वो भी नहीं इसको ढूंढ पाता। ये उधर से जाता है, 2-3 महीनों का सफर कर किसी और जजीरे पर उतरता है, उधर जहाज के बाद बंद खोले जाते हैं। ये उधर से नीचे आता है तो ये उसको लोंडी बना के ना बेच देता है। ये लोगों के आगे बड़ा फरियाद करती है कि मैं ना एक राजा की बीवी हूँ, मैं महारानी हूँ, तो आप लोग मुझे नौकरानी ना बनाए, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता, वो उसको लोंडी बना लेते हैं। तो एक शख्स की वो लोंडी होती है उसके हाँ, तो वो बड़ा जालिम शख्स होता है, वो उनके ऊपर बड़ा जुलम करता है। उधर एक गुलाम होता है, वो इसके ऊपर बड़ा उसको हमदर्दी होती है इसके साथ। वो शकुंतला को कहता है कि मैं तुम्हें ना यहाँ से लेकर ना हम दोनों भाग जाते हैं। वो फैसला करते हैं, तो एक जहाज का जाके बंदोबस्त करता है वो गुलाम, तो ये रातों रात उधर से भागते हैं, ये जहाज में सफर करते हैं। ये कहती है कि जहाज में ना सफर के दौरान बड़ा तेज तूफान आता है, हमारा जहाज ना डूब जाता है, तो उस तूफान में मुझे नहीं पता वो गुलाम का उसका क्या बना, लेकिन मेरा होता यह है कितने मुझे एक तख्ता मिल जाता है, मैं उस पर उसके ऊपर होती हूँ, मैं कितने दिनों सफर करती हूँ, उसके बाद जाके मैं इस जजीरे तक आ जाती हूँ। तो ये खवातीन, मैं साहिल समंदर पर बेहोश पड़ी थी, ये खवातीन मुझे पकड़ लेती है क्योंकि मेरा कद भी 6 फुट था, तो ये खवातीन ना मुझे पकड़ लेती है, मलका के पास ले जाती है, मलका मुझे अपनी ना खादमा बना लेती है, कमीज बना लेती है। 4 साल से मैं इधर स्टक हूँ। अंबर उसकी सारी बात सुनता है, उसको उसके ऊपर ना उससे बड़ी हमदर्दी होती है। वो कहता है तुम्हारी दुख बड़ी दास्तान सुनकर ना मुझे बड़ा ज्यादा दुख हो रहा है, शकुंतला बहन तुम फिक्र ना करो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो वो कहती है कि तुम मेरी मदद कैसे करोगे, ये तो मलका तुम्हें खुद देवता के आगे चढ़ा देगी, तुम्हारी तो कुर्बानी दे देगी। अंबर कहते तुम मेरी फिक्र ना करो, लेकिन उसका दिल दुख से भर जाता है। वो कहती है कि मेरी भी कैसी किस्मत है कि अगर कोई इंसान मुझे मिला है जिसके साथ मैंने अपना दुख दर्द शेयर किया है, लेकिन वो भी मरने वाला है। वो बड़ी अफसरुदा हो जाती है, साथ ही ना एक औरत आ जाती है, ऐसे ना फिर से ना देवता ही गीत गाना शुरू हो जाती है। वो औरत अंदर आके ना अंबर को ना बड़े अच्छे फल फ्रूट खाने को देती है, अंबर खामोशी से खाना खाता है। तो ये औरत कहती है परसों इसकी कुर्बानी होगी। उसको ये होता है अंबर को नहीं पता, लेकिन अंबर को उसकी जुबान सारा पता होती है। वो औरत ना शकुंतला हंस पड़ती है।
फिर जब वो औरत चले जाती है तो वो फिर अफसरुदा हो जाती है। वो ना अंबर को देख के कहती है कि भाई मुझे है ना आपके लिए बड़ा दुख हो रहा है कि आपको ये लोग कुर्बान कर देंगे। मुझे पता है, मैंने कई लोगों को यहाँ मरते देखा है, कई लोग बेहोश हो जाते हैं, कई लोग चीखते हैं, लेकिन इनको तरस नहीं आता। अंबर उसको कहते तुम ना मेरी फिक्र ना करो, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम परेशान ना हो। लेकिन वो ना बड़ी अफसरुदा होती है, वो उधर से उठ के आ जाती है। 3 रोज वो इसी तरह अंबर को खिलाते पिलाते हैं, बड़ा अच्छा उसको खिलाते हैं, बिल्कुल जिस तरह कोई ये जैसे जानवर जानवर लोग कुर्बान के लिए नहीं लेकर आते, उसका उसको चारा डालते हैं, ऐसे ही वो अंबर का बड़ा ख्याल रखते हैं। फिर वो अंबर को ना उधर से उछलवाते हैं, जाके ना मैदान के बीचों बीच आ जाते हैं, उधर दरख्त के साथ अंबर को बांधते हैं। तो जो शकुंतला होती है ना, उसका दिल बड़ा उदास होता है अंबर के लिए। ये ना मलका ने ना इतने सारे खादमों को खड़ा किया था, जलाद खादमाओं को, उनके हाथों में जो तीर थे ना उनके ऊपर जहर लगा हुआ था। ये हुक्म देती है तो इतने सारे तीर जो होते हैं ना वो जाके अंबर को लगते हैं। अब चूंकि अंबर तो मार नहीं था सकता, तीर उसके साथ टकरा कर नीचे गिर जाते हैं। मलका को बड़ा ताज्जुब होता है, वो कहती है अपने खादमों को चीख के तुम लोग ना निशाना सही लगाओ। उसको ये होता है लोगों ने निशाना नहीं सही लगाया। वो दोबारा से तीर मारती है, फिर वही प्रोसेस होता है, वो वैसे ही तीर उसको जाके उसके जिस्म से टकराते हैं और नीचे गिर जाते हैं। वो बड़ा हैरान होती है, वो जाके कहती है, सोचती है शायद अंबर ने ना अपने ना शर्ट के नीचे पत्थर की कोई सील रखी हुई है। वो जाके उसकी शर्ट काटती है, लेकिन उसके अंदर कोई पत्थर की सील वगैरह नहीं होती। तो उसको बड़ा ताज्जुब होता है, वो फिर कहती है मारो, लेकिन फिर वही प्रोसेस होता है, नहीं उसको कुछ होता। फिर वो क्या करती है कि वो हुक्म देती है खूनखार शेर आए। खूनखार शेर आता है, वो शेर बड़ा ही खूनखार होता है। उसकी जो खादमाएं होती है ना, उन्होंने नेजा पकड़ के ऐसे शेर के सामने करती हैं ताकि शेर उन पे हमला ना कर दे। अब वो खूनखार शेर अंबर के ऊपर जो पड़ता है, पहले उसको एक पंजा मारता है, लेकिन उल्टा अंबर को कुछ होने की बजाय शेर का पंजा जख्मी हो जाता है, उसके नोन टूट जाते हैं। अंबर मुस्कुरा रहा होता है। सारे खादमों में ना खौफ की लहर दौड़ दौड़ जाती है। शकुंतला बड़ी खुश होती है, जो मलका होती है वो भी बड़ा ताजुब करती है। अब शेर ने जो देखा अंबर मुस्कुरा रहा है, उसका हाथ जख्मी हो गया, तो वो क्या करता है, वो तेजी से हमला करता है अंबर को। अंबर का जो मुंह होता है उसको अपने दांतों में अपने मुंह के अंदर लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसके उल्टा दांत टूट जाते हैं, वो उल्टा खुद जख्मी हो जाता है, वो उधर से भाग जाता है। अब अंबर अपनी रस्सियां खोल लेता है, वो मलका के सामने आता है, वो मलका को मुस्कुरा के देखता है, तो मलका उससे खौफजदा हो जाती है। वो कहता है जैसे कि मलका आपने मुलाहजा किया कि मुझे मौत नहीं आ सकती, ना तो मुझ पर तीर असर किए जहर वाले, ना मुझ पर खूनखार शेर का जो हमला है वो कामयाब हुआ। तो मलका उसे डर जाती है, वो कहती है कि तुम देवता हो। तो वो कहता है हाँ मैं देवता हूँ, अब तुम सारे लोग मेरे गुलाम हो। तो वो कहती है, वो उसकी ना गुलामी में आ जाते हैं। अंबर फिर आगे मलका को कहता है कि तुम बड़ी जालिम औरत हो, तुमने बड़े जुल्म किए हैं, तुम अब जिस तरह तुमने मुझे उधर बांध के रखा था ना, बिल्कुल वैसे ही इस औरत को जाकर ना संगल में बांध दो, संगली डाल के ना इसके गले में बड़ा सा लोहे का कड़ा डाल के इसको उधर बांध दो। ये लोग ऐसे ही जाके मलका को बांध देते हैं। मलका को बुखार हो जाता है। अच्छा, ये जो इधर मैंने एक बात मेंशन करना भूल गई, ये जो खवातीन होती है ना, साल में एक दफा ना इनकी मलका ना एक जो इनके कबीले के वो मर्द होते हैं, वो मगरबी हिस्से में होते हैं, लेकिन उनको इजाजत नहीं थी। इन खवातीन का क्या दस्तूर था जी, कि जब इनके घर ये एक शादी करती थी एक साल में एक दफा औरत की, तो 3 महीने या 2 महीने इसका खावंद उसके साथ रहता था, उसके बाद उसका खावंद उसको छोड़कर चला जाता था। अगर लड़की होती थी ना तो ये लड़की को जिंदा रखती थी, लेकिन अगर लड़का होता था ये समंदर में उसको डुबो के मार देते थे। तो इस तरह से इनका रस्मोड़ी वाज बड़ा अजीब था। बहरहाल अब अंबर के कहने पर ना उस मलका को जाके उसी तरह से बांध दिया जाता है जिस तरह उसने अंबर को बांधा था। तो अब शकुंतला बड़ी खुश होती है। शकुंतला आके अंबर को कहती है, भाई मुझे बताओ कि तुम बच कैसे गए। उसकी करामात देखकर ना बड़ी खुश होती है, लेकिन अंबर कहता है कि ये बस एक राज है। वो कहती है, मैं भगवान का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि मेरा भाई बच गया। उधर मलका के साथ ये होता है, मलका को बुखार हो जाता है। अब सारी खादमाओं को पता होता है, सारी कनीजों को, जिसको ये बुखार होता है ना वो मर जाता है। तो उनको ये था अब हमारी मलका मरने वाली है, लेकिन अंबर को उसके इलाज का पता होता है। वो जाकर ना मलका को ना, मलका जो बिस्तर मड़क पर पड़ी होती है, वो जाकर ना एक खादमा को कहता है कि जाकर ना तुम ना जंगल में जाओ। वो एक बूटी का नाम लेता है, बेयर बूटी जिसको कहता है।
लेकर वो आओ, वो लेकर आती है उसका लेप करके ना उसके माथे पर लगाता है, वो बिल्कुल बली चंगी हो जाती है, एकदम से उठ कर बैठ जाती है। अब तो वो अंबर की ना बड़ी कायल हो जाती है उसकी शख्सियत की। तो फिर अंबर उसको कहता है, आज के बाद जिसको भी इस तरह का बुखार हो ना तो उसका इलाज ना इसी बूटी के अंदर है, आप लोग ये ही यूज किया करो। अब मलका जो होती है ना वो अंबर से इतना खुश होती है, वो अंबर को कहती है कि तुम ना हमारे जजीरे में रह लो। लेकिन अंबर होता है वो कहता है, नहीं मैं आपके जजीरे में नहीं रह सकता, मुझे ना मारिया और नाग के पास जाना है, मुझे अपने बहन भाई के पास जाना है, मुझे उनकी बड़ी याद आती है। तो जो मलका होती है ना वो पहले तो उसको बड़ा फोर्स करती है, लेकिन फिर जब वो कहता है कि नहीं मुझे अपने बहन भाई के पास जाना है, फिर वो उसकी बात मान जाती है। उसके कहने पर वो जहाज को तैयार करवाती है। अब जहाज वो लोग तैयार कर रहे होते हैं, एक दिन ना अंबर और सारी खवातीन उधर साले समंदर पर होती हैं, वो देखते हैं दूर से ना एक जहाज आ रहा है। जहाज बड़ा पुरस्टार किस्म का होता है, उसके जो बादबान होते हैं ना वो भी फट चुके थे। अब जब वो जहाज करीब आ रहा होता है ना तो मलका कहती है, पता नहीं कितने ताजुब की बात है कि ये जहाज आ रहा है इधर, आज तक इस जजीरे पर कोई जहाज नहीं आया। तो अंबर कहता है उसको आगे से कि ये हो सकता है ये बहरी डाकुओं का जहाज हो। मलका ये सुनकर बड़ा ताजुब करती है, बहरी डाकुओं का जहाज, मेरी खादमाएं कैसे बहरी डाकुओं से मुकाबला करेंगी, मेरी कनीजों को नहीं मुकाबला आता। तो अंबर कहता है, तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना, मैं निपट लूंगा इस बहरी डाकुओं के जहाज से अगर ये बहरी डाकुओं का जहाज हुआ। अब वो जो जहाज है वो साले समंदर पर आ रहा है, जब वो आ जाता है वो तो बहरी डाकुओं का जहाज नहीं होता, लेकिन उसके जो बादबान होते हैं वो फट चुके होते हैं। अंबर और मलका को बड़ा ताज्जुब होता है, वो जाकर उस असरार जहाज की ना वो और उसकी खादमाएं जाके तलाशी लेती हैं, उनको कुछ नजर नहीं आता, कोई जहाज के अंदर इंसान नहीं होता, सिर्फ एक कप्तान होता है, उसकी लाश ना कैबिन में पड़ी होती है, वो उसकी लाश देखते हैं, पूरे जहाज की वो तलाशी ले लेते हैं लेकिन कोई नहीं होता उसके अंदर। वो बाहर आ जाते हैं, फिर अंबर कहते हैं कैसा असरार जहाज है, वो मलका कहती है हाँ बड़ा ही असरार जहाज है। जब ये लोग उतरते हैं ना तो ये अपनी कुछ खादमाओं को कहती है, अपनी कनीजों को, कि तुम लोग इस जहाज के इर्द गिर्द ना पैरा दो। अब ये लोग तो चले जाते हैं, रात होती है, उधर अंबर और मलका जो होते हैं अपने अपने कमरों में होते हैं, सब खवातीन जो उधर होती है अपने अपने कमरों में, यार वो सो गई है रात को। तो जो दूसरी तरफ साहिल समंदर पर जो पैरे दे रही होती है ना, उनमें से कुछ खवातीन होती है, एक खवातीन बड़े कमजोर दिल की थी, उसको नहीं थी नींद आ रही, वो बड़ा डरती थी, जबकि उसका इतना वैश्याना कबीले से ताल्लुक था, लेकिन उसका दिल कमजोर था, वो बार बार ना आगे खोल के पूरे स्टार जहाज को देखती थी, फिर वो सो जाती है। अब होता यह है कि वो जहाज पे बिन मानस होता है, बिन मानस जो होता है ना वो खामोशी से आता है जहाज के ऊपर जंगले पर आकर, वो उधर से नीचे उतरता है सीढ़ी से, आकर देखता है उधर कुछ खवातीन लेटी है, खवातीन के पास जाता है, उसके मुंह पर जोर से हाथ रखता है, उसका सांस रुक जाता है, वो औरत बेहोश हो जाती है, उसको उठा के ना वापस जिस तरह से आता है उसी तरह से जहाज के अंदर चला जाता है। वैसे ही कप्तान के कैबिन में जाके ना उस औरत को लटा देता है, तो उस औरत को होश आ जाता है, वो चीखने लगती है, वो इतनी ज्यादा दहशत ज्यादा हो जाती है अपने सामने बिन मानस को देखे, बिन मानस अपना खून खार पंजा उसके ऊपर मार के ना उसको उसके मुंह पे मार के उसको जख्मी कर देता है, वो मर जाती है। अब जो बिन मानस है ना उसके गले को जख्मी करके उधर से खून पीना शुरू कर देता है, बिन मानस उसका सारा खून पी लेता है, उसका डानों का गोश्त खा जाता है, फिर उसकी लाश को पकड़ के समंदर में फेंक देता है। अगली सुबह होती है जी, वो जो खवातीन होती है वो शोर मचा देती है, हमारी एक साथी गायब है। अब इसकी खबर मलका को जाती है और अंबर को भी पता चलता है, वो लोग बड़ी तलाशी लेते हैं। वो अंबर कहते हैं कि हो सकता है वो खवातीन जो गुम हुई है ना वो खतून वो जंगलों के अंदर गुम हो गई हो। मलका कहती है कि नहीं, मेरी खवातीन को इधर का सारा कुछ पता है, वो गुम नहीं हो सकती, उसको सारे रास्ते पता है। फिर वो कहता है हो सकता है उसको गर्मी लग रही हो, वो समंदर के अंदर गई हो तो उधर डूब गई हो। लेकिन वो खतून कहती है नहीं, मलका कहती है नहीं, उसको तैरना आता है, मेरी तो सारी खवातीन तैरने में इतनी तेज है। बहरहाल वो बड़ा ढूंढते हैं, उनको नहीं मिलता। तो फिर जो दूसरा दिन होता है, फिर यही चीज होती है, ऐसे ही वारदात होती है। बिन मानस आता है और औरत को मार के ले जाता है, उसका भी खून पी लेता है, उसकी लाश को भी समंदर में फेंक देता है। दूसरी खतून के गायब होने पर भी बड़ा शोर शराबा होता है। ये है कि अब तीसरी रात को जब तीसरी खवातीन का कत्ल हो जाता है ना पुरुष रात तौर पर वो गायब हो जाती है, तो ये लोग तलाशी लेते रहते हैं ना जहाज के अंदर तक चले जाते हैं, जाके देखते हैं उसके कैबिन पे एक बिल्कुल ताजा खून होता है। अंबर चेक करते हैं, उसको बिल्कुल ताजा खून था। दूसरी तरफ जाके उसके अर्शे पर भी एक तरफ खून पड़ा होता है, वो हाथ से चेक करते हैं उंगलियों से, वो कहते हैं ये भी ताजा खून है। बड़ा वो सारे सब में एक पूरा असरार किस्म की ना लहर दौड़ जाती है।
वो पूरे जहाज की तलाशी लेते हैं लेकिन उन्हें कोई चीज ऐसी नजर नहीं आती जो काबिले जिक्र हो, फिर जैसे कोई कातिल इधर हो। फिर वो कहती है हो सकता है जजीरे पर कोई ऐसा कातिल हो। मलका के कहने पर अंबर कहता है कि नहीं, अगर जजीरे से कोई आता तो वो कातिल क्या इतना बेवकूफ है कि वो आके इधर से औरत को पकड़े, जहाज के अंदर लेकर जाए, इधर कत्ल करे उसको और फिर जाए। फाइनली वो जहाज का पूरा तलाशी लेती हैं लेकिन उनको कोई इधर से ना नहीं पता चल पाता कि कौन है जो खवातीन को उठाकर कत्ल कर रहा है। फिर वो सारे समंदर पर आ जाते हैं। मलका खौफजदा हो जाती कि ऐसा क्या हो गया है। वो कहते हैं कि अंबर कहता है हो सकता है कि इस जजीरे पर कोई खूनखार जंगली जानवर हो। लेकिन फिर वो अंबर कहता है कि मलका कहती है नहीं कोई खूनखार जानवर नहीं, अगर पंजों के निशान ना होते। अंबर कहते हैं अफरा तफरी में तुम्हारी औरतों ने ना रेत के ऊपर से उसके निशान मिटा दिए हैं। फिर ना तीसरी दफा भी कत्ल हो जाता है तो फिर तीसरी रात को भी जब कत्ल होता है, चौथी रात को अंबर फैसला करता है कि तुम लोग ना मुझे खवातीन का गेटअप बनाओ। वो ना खुद खवातीन बन जाता है उनकी तरह से। मलका उसको वीग लगाती है, कपड़े पहनाती है। तो वो पहले तो मलका राजी नहीं होती उसकी कुर्बानी पर, लेकिन अंबर कहता है मैं मार नहीं सकता, बस तुम मुझे ना तैयार करो बिल्कुल अपनी खवातीन की तरह। वो उसको खवातीन की तरह तैयार करती है, उसको विग लगाती है, उसको वैसे ही कपड़े पहनाती है और वो जाके अब साहिल समंदर पे सोता है। चूंकि उसने कातिल को पकड़ना होता है वो सो नहीं रहा होता, वो बस आसमान को देख रहा होता है उसके सितारों को, साथ साथ उसकी नजर ना जहाज की तरफ होती है। अब अंबर चूंकि पूरी तरह से चुकन्ना था, वो देखते हैं एकदम से जहाज के जंगले पर ना एक बिन मानस नुमादार होता है, तो वो सारा कुछ समझ जाता है। ओहो, तो ये बिन मानस था जो ये सारा कुछ कर रहा था। अब बिन मानस ना सीढ़ी के जरिए वैसे नीचे आता है, वो पहले चीखना शुरू कर देता है, सीने पर जोर जोर से हाथ मारता है क्योंकि उसको कोई औरत शिकार नजर नहीं आता। फिर उसकी नजर एक तरफ पड़ती है तो उसको एक औरत नजर आती है लेटी हुई है, लेकिन वो अंबर होता है। वो जाकर उसको देखता है बड़े गौर से, उसको समझ नहीं आता ये क्या चीज है। बहरहाल उसको औरत लगती है, वो उसको एक जोर से पंजा मारता है उसके मुंह पर, लेकिन अंबर का कुछ नहीं होता। वहां के खोल के गुस्से से बिन मानस को देखता है, बिन मानस की और उसकी खूनखार लड़ाई शुरू हो जाती है। वो अंबर पर बड़ा हमला करता है लेकिन अंबर का कुछ नहीं बिगड़ता। हत्ता के बिन मानस उसके पांव को पकड़ के जोर जोर से उसको पटकता है लेकिन अंबर का तब भी कुछ नहीं बिगड़ता। बिन मानस की चीखों से जो जंगल में मलका होती है ना उधर तक चीखे जाती है। तो मलका अपनी खादमाओं से पहले ही बातें कर रही थी कि हम लोगों ने ना अंबर को बेच के छाने किया। अब वो सारे लोग तैयार हो जाते हैं, वो पकड़ते हैं अपने नेजे, तेजी से वो सारे समंदर की तरफ आते हैं। जब वो देखती है कि इतना भयानक बिन मानस है उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर वो दिल में अंबर की इतनी मशकूर होती है कि अगर अंबर उनका साथ ना देता और आज अगर अंबर यहाँ ना होता तो इसकी तो सारी औरतें मर जाती। बहरहाल वो नेजा पकड़ के ना जाती हैं, वो अंबर को कहती है तेजी से कि हम आ गए हैं। अब वो नेजों के साथ सारे जो उसकी खवातीन होती हैं, खादमाएं, जलाद औरतें भी उनमें शामिल थी, वो सारे निशाना लगा के ना उसको मारते हैं। बिन मानस को इतने सारे तीर लगते हैं, वो जख्मी होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर से खून रसना शुरू हो जाता है उसके जिस्म से। वो चीख चीख के अंबर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है लेकिन अंबर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। दोनों में इतनी खूनी जंग होती है, वो अंबर को उठा उठा कर पटकता है। फाइनली अंबर एक बड़ा सा चाकू उसकी तरफ उछालती है मलका, वो उससे उसका सीना चीर देता है, वो बिन मानस का खात्मा हो जाता है। तो सारा जो कबीला होता है वो खुशी से नाचने लग जाता है। अब मलका बड़ी खुश होती है, वो आके अंबर को देखती है, अंबर को मामूली सी भी खरोच नहीं आई होती, तो वो इतनी अंबर की मशहूर होती है जिसकी कोई इंतहा नहीं। वो फिर अंबर से पूछती है, अंबर भाई क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि तुम्हारा राज क्या है ताकि मैं भी हमेशा के लिए जिंदा रह सकूं। अंबर कहता है कि ये कोई मैं तुम्हें अपना राज तो नहीं बता सकता लेकिन हमेशा जिंदा रहने का नुस्खा यही है कि आप लोग ना अच्छे सलूक किया करो लोगों के साथ, आप जितने नेक और अच्छे होते हो आपकी मौत उतनी आपसे दूर रहती है। मलका कहती है मैं ना शुरू से इतनी संगदिल नहीं थी, मैं एक बड़ी नेक दिल माँ की बेटी थी। तो अंबर उसे पूछता है कि तुम क्या शुरू से यहाँ कबीले की रहने वाली हो या तुम भी कहीं से आई थी। फिर वो कहती है कि मेरी जो माँ थी वो बड़ी नेक दिल औरत थी, ऐसे ही वो जहाज पर सफर करके इधर आके स्टक हो गई इधर जजीरे पर। मेरी परवरिश जिस औरत ने की ना आगे वो औरत बड़ी जालम थी, उसको देखकर मैं भी बड़ी जालम बन गई। बहरहाल अंबर उसे नसीहत करता है कि तुम ना बहन जुल्म को छोड़ दो, नेक अमाल करना शुरू कर दो, मौत खुद ही दूरेगी तुमसे। अब चूंकि उसका जो जहाज था वो तैयार हो चुका था, वो और शकुंतला जो थे सफर पर जाने के लिए तैयार थे, उन्होंने अपने जहाज पर सारा कुछ रख लिया था। अब अंबर और मलका और उसकी सारी जो कबीले की खवातीन होती है वो सारे समंदर पर खड़ी होती है। अंबर की नजर होती है जी उस
पूरा स्टार जहाज की तरफ। वो कहते हैं तुम लोग इस जहाज को रख लो। वो खतून कहती है ये जहाज नहीं हमने रखना, ये हमें हमारी खवातीन के खून की याद दिलाएगा, ये मनहूस जहाज है। तो अंबर कहते हैं इसको फिर जला दो, वैसे भी ये बेकार है, इसके जो बादबान है ना ये टूट चुके हैं। तो वो औरत कहती है हाँ हम इसको जला देंगे। अब वो जहाज के दूसरे जहाज जो उन्होंने अंबर और शकुंतला के सफर के लिए तैयार किया था उसमें सारे खाने पीने की चीजें रख देते हैं, क्योंकि अब इनके सफर का टाइम हुआ जाता था, जहाज मुकम्मल तैयार था। अब वो तो ये खतून उसको इतना फोर्स करती है अंबर को कि तुम हमारे जजीरे पर रह जाओ। अंबर को भी इस जजीरे पर बड़ा मजा आता है, यहाँ खाने पीने को इतना कुछ था, इतने लजीज डिलीशियस उसके फल फ्रूट थे ना। तो अंबर कहते हैं कि उस अगर उसको मौका मिला जिंदगी में तो वो दोबारा इधर जरूर चक्कर लगाएगा। तो उसकी जो मलका होती है वो बड़ी खुश होती है। तो वो कहते हैं मुझे अपने बहन भाई की बड़ी फिक्र है। मलका उसको दुआ देती है कि तुम अपने बहन भाई से जल्द मिल जाओ। फिर वो शकुंतला और अंबर के साथ के ऊपर दूध दूध बहाती है, क्योंकि उनके हार रस्म होती है जो भी सफर पे जाता होता है ना उसके सर पर ऐसे ही वो दूध गिराते थे। अब वो अपनी रस्म पूरी करते हैं, फिर ये लोग जहाज में जाते हैं, इनका सफर शुरू होता है जहाज के अंदर। पहले तो इनका बड़ा पुरसकून सा सफर रहता है। अंबर उससे शकुंतला बहन से बड़ी बातें करता है, शकुंतला उसको अपने बच्चे के बारे में बताती है, अपने शोहर के बारे में बताती है कितनी अच्छी उसकी जिंदगी थी, अपने बेटे को याद करके फिर वो रोने लग जाती है। फिर अंबर उसको तसल्ली देता है, वो कहते हैं तुम खुदा से दुआ मांगो हम पहुंच जाएंगे। वो कहती है कि मैं भगवान का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ। इस तरह उनका सफर शुरू होता है, लेकिन एकदम से ना आसमान पर हवाएं आना शुरू हो जाती हैं। तो अभी ये हवाएं होती हैं, तो ये जो होती हैं जिस भी पैदा हो जाता है, अंबर को पता होता है ये जो जिस होता है ये तूफान की अलामत होता है। बड़ी तेजी से हवा चलना शुरू हो जाती है, बिजली चमकने लग जाती है। अब जो शकुंतला है वो डर जाती है, लेकिन ये शकुंतला को तसल्ली देता है, उसे उसके बेटे की बातें करता है। लेकिन एकदम से जब तेज से बारिश होना शुरू हो जाती है, इतनी तेजी से बारिश होती है कि जहाज ना जहाज पानी के अंदर हचकोला लेना शुरू हो जाता है, कभी दाएं तरफ कभी बाएं तरफ, तो इनका बैलेंस भी नहीं था हो रहा। अंबर को याद आता है कि बादबान तो खुले हैं, वो ऊपर जाकर बादबान का रस्सा काट देता है ताकि जहाज जो है वो इतना हवाओं के रुख पड़ी इधर उधर ना हो। लेकिन तूफान बड़ा सख्त होता है, जहाज के ऊपर पानी आ जाता है। वो जो शकुंतला होती है अंदर जो डरी होती है, जो भगवान से दुआएं मांग रही होती है कि हम लोग जल्द अज जल्द पहुंच जाए। सिर्फ दो रोज इन लोगों के बाकी रह गए थे हिंदुस्तान के समंदर पर जाने पर, क्योंकि जो अंबर होता है ना उसको कहते हैं कि मुझे सितारों को देखकर ना सफर की समत का पता चल जाता है, सफर की समत का कि हम लोग कौन से शहर से कितनी दूर है। सिर्फ दो दिन का इनका सफर बाकी होता है, लेकिन तूफान आ जाता है। तो अब जो तूफान जो आगे अंदर पानी आ जाता है, ये उसको तसलिया देता है। ये बाल्टियां भर भर के दोनों बहन भाई पानी भर भर के कश्ती से बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या हुआ ये नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग मुलाहिजा करेंगे, क्या अंबर शकुंतला को पहुंचा पाया हिंदुस्तान, क्या ये लोग तूफान से बच सके, और क्या अंबर जाके जापान जा सका, अपने बहन भाई से मिल सका। इसको जानने के लिए स्टे कनेक्टेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।